हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सिंह, एनके क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 12 अप्रैल 2020 और आज की डेट के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे एनके क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें जिससे हम कोई से भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों अगर आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल आपको लेनी है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसकी लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप जाके हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा। इसके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर एक है 108, 110, 160 और 100। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 108। दोस्तों अभी हाल ही में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारत 108वें स्थान पर रहा। दोस्तों बात आती है फीफा की, तो फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है देख लीजिए, एफ फॉर फेडरेशन, आई फॉर इंटरनेशनल, डी फुटबॉल एसोसिएशन। दोस्तों फीफा का जो हेडक्वार्टर है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है और फीफा की दोस्तों स्थापना हुई थी 1904 में। दोस्तों अभी जो हाल ही में फीफा ने रैंकिंग जारी की है इसमें पहले स्थान पे कौन रहा है, बेल्जियम पहले स्थान पे रहा है फर्स्ट, फ्रांस सेकंड और ब्राज़ील थर्ड स्थान पे रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इफको टोक्यो की नई एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शन है, माधवीपुरी, यूवी प्रवीण राव, अनामिका राय राष्ट्रवर और साहिल कपूर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनामिका राय राष्ट्रवर। दोस्तों अभी हाल ही में इफको टोक्यो की नई एम डी एन सी यू नियुक्त की गई हैं अनामिका राय राष्ट्रवर। दोस्तों बात आती है इफको की, IFFCU इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है। इसके चार ऑप्शन है, पर्यावरण मंत्रालय, HRD मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय। दोस्तों अभी हाल ही में HRD मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की है। जो ये भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान है ये एक सप्ताह 7 दिन चलने वाला अभियान है जिसकी शुरुआत HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने की है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर अखबारों के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार किया है। इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, 2 है दिल्ली उच्च न्यायालय, जबलपुर उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। दोस्तों अभी हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने अखबारों के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मद्रास उच्च न्यायालय। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा कितने व्यक्तियों को हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके चार ऑप्शन हैं, 25, 26, 28 और 30। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 26। 26 व्यक्तियों को हिंदी सेवा सम्मान से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज किया जाएगा।
इसके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर एक है दिल्ली, दो है मध्य प्रदेश, तीन है केरल, चार और चौथा है पंजाब। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, केरल। केरल राज्य में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया गया है? इसके चार ऑप्शन हैं, 8 अप्रैल, 11 अप्रैल, 9 अप्रैल और 10 अप्रैल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, 11 अप्रैल। दोस्तों अभी हाल ही में 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया गया है। नेशनल सेफ मदरहुड डे का हिंदी में अर्थ होता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। एक बार फिर से सुन लीजिए, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। इसका जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य क्या होता है वो सुन लीजिए, गर्भवती महिलाओं को उनके स्वास्थ्य संबंधी देखभाल और मातृत्व सुविधाओं के प्रति जागरूक करना है। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, 11 अप्रैल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजीजेन लॉन्च किया है? इसके चार ऑप्शन हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर दो है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ICICI बैंक और चौथा है बंधन बैंक। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों अभी जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजीजेन लॉन्च किया है। बात आती है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, दोस्तों इसका जन स्मॉल फाइनेंस बैंक तो इसका स्थापना हुआ था 2006 में और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO हैं अजय कमल जी। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की MD क्रिस्टलियाना जॉर्जिवा के सलाहकार समूह में शामिल किया गया है? इसके चार ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर एक है डी सुब्बा राव, ऑप्शन नंबर दो है अर्जित पटेल, रघुराम राजन और शक्तिकांत दास। दोस्तों अभी हाल ही में रघुराम राजन जी को, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की MD जॉर्जिवा क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के सलाहकार समूह में शामिल किया गया है। बात आती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, यानी IMF। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है Washington DC यूनाइटेड स्टेट में। इसके प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, और IMF के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं उनका नाम है गीता गोपी नाथ। IMF जो है उसमें 189 देश शामिल हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन है आज का, लॉकडाउन के बीच डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था ने ट्विटर अभियान शुरू किया है? इसके चार ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर एक है वित्त मंत्रालय, दो है PMO, तीसरा है PNB और चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों इसका आंसर नंबर चार सही हो जाएगा, इसका जो चौथा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक वो सही ऑप्शन हो जाएगा। अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान शुरू किया है। बात आती है RBI की, इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में।
आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। दोस्तों ये रहे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों ऐसे ही रोज डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल एनके क्लासेस को सब्सक्राइब करें और दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ पाने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक हम दे देंगे, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।